हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, ये है मॉर्निंग टाइम। आप लोगों को पता है कि मेरा मॉर्निंग टाइम कहाँ होता है और कैसे स्टार्टिंग होती है वीडियो की। और वीडियो स्टार्ट हो रही है कहो चढ़ से, जो हर रोज़ होती है। ये हमारा ना मतलब शहरों के लोगों के लिए ये काउ मिल्किंग गोबर निकालना मतलब एक अलग सी बात है। मतलब एक बार करेंगे तो बहुत वो हो गया। हमारी तो हर रोज़ की रूटीन है, हर रोज़ हमारे यही काम रहता है। तो देखिए आप भी, और जो मैंने ये नीचे डाला है ना, ये चील की पत्तियाँ हैं, चील का चलारा बोलते हैं हमारे, तो इसको मतलब डालते हैं हम ताकि नीचे से गाय को गर्म रहे। ये गर्म होता है, आजकल ठंड बहुत ही है। हम इसको ना पहले ही सर्दी के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, और जितने में ये लोग इसको दाने को खाएंगे उतने में मैं गोबर इकट्ठा कर लेती हूँ। तो देखिए आप लोग भी, ये हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है क्योंकि हमारा यही काम है। हम गांव में रहते हैं तो गांव में घर में बैठ के और क्या करना है, बस गाय तो पालनी है। तो देखिए आप भी, ये है मेरी काउ मिल्किंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी धान की घास रहती है उसके जो अंदर के डंठल है उनको मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि इसकी हम बनाते हैं चटाई इस तरह से। जो इसकी पत्तियाँ हैं उनको मैं नीचे निकाल दूँगी जो मैं गाय को फेंकने वाली हूँ। और जो इसके छोटे छोटे बारीक से डंठल होते हैं, ये पक्के होते हैं, बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, तो इसकी हम चटाइयाँ बनाते हैं। जब मैं बनाऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं इनको छांट के रखती हूँ। अभी जब फिर एक ही बार नहीं मिलता छानने को तो एक एक मुट्ठी करके फिर हो जाता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, फिर मेरा कौ छड़का हो गया था सब चीज़ का। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। तो मेरी चाय भी आज मैंने थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना ली क्योंकि हस्बैंड भी थे, तो मैंने अदरक वाली चाय बना दी थी। खुद भी पी रही हूँ और उनको मैंने दे दी थी। अभी कोई भी सो के नहीं उठा। हाँ, ठंड है, धूप तो बहुत लेट लगती है, तो ऐसे तो सो के उठ गए हैं, वैसे बिस्तर में पड़े हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे मैं साथ साथ में प्याज काट रही हूँ और साथ में चाय पी रही हूँ। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, मैं बना रही हूँ
मतलब कड़ी बोलो कुछ बोलो, मैंने पीछे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं झोल बना रही हूँ तो हमारे झोली बोलते हैं, तो मैं भी वही बोलूँगी अपनी इसमें जो है। तो इसमें मैंने घी रखा था बना के, तो घी वाली कढ़ाई में अगर हम लस्सी वाली कुछ चीज़ बनाएंगे या ऐसे भी लस्सी उबालेंगे तो एकदम से साफ़ हो जाती है, नहीं तो घी से ना फूकी जैसी होती है, मतलब जली काली होती है जल के। तो इसको मैं इस तरह से, तो ये भी साफ़ हो जाएगी और सब्जी में तड़का भी लग जाएगा जो कि मैं ये कर रही हूँ सब्जी मानो आप। तो यहाँ पे अंशु भी आ गई थी थोड़ी देर, तो इसमें मैंने हल्दी सब चीज़ ऐड कर दिया है, सूखा मसाला प्याज वगैरह जो भी था मेरा। और फिर मैं इसमें ना थोड़ा सा मतलब आटा, गेहूं का आटा डालूंगी भूनने के लिए, जब तक अच्छे से ना भुने, फिर उसके बाद मैंने लस्सी ऐड कर देनी इसमें। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए आप भी, ये मैंने लस्सी इसमें ऐड कर दी है। आजकल ना थोड़े से मतलब ज़्यादा गर्मी में रखना पड़ता है, मतलब ज़्यादा गर्माहट में रखनी पड़ती है दही बनाने के लिए, तो फिर ये थोड़ी सी लस्सी खट्टी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी कम इसको मतलब लस्सी डाली और पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसमें साथ में मैंने चावल रखे थे, तो ये चावल मैंने डालने थे इसमें। तो हमारा खाना पीना हो के फिर हमने बर्तन साफ़ कर लिए, ये अंशु मेरी हेल्प कर रही है साथ साथ में। तो देखिए आप भी, अंशु मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेती है, बच्चे बहुत काम करते हैं पर दिखते नहीं हैं। तो देखिए आप, फिर ये देखिए, ये इसके पापा हैं। और फिर आ गए थे हम जंगल में, हमें तो घर गई थी, बच्चे अपनी दादी अम्मा के पास गए हैं, थोड़ा नीचे है यहाँ से, तो आप लोगों को पता है मैंने दिखाया है, जिसने नहीं देखा है तो पीछे वाला ब्लॉग देख सकते हैं। ये देखिए ये लोग आगे चल रहे हैं, तो मैंने घास साथ में घास लाया, तो मैं घास निकाल के फिर बच्चे नीचे को चले गए और मैं घर चले गई। तो देखिए हम लोग घास निकाल रहे हैं, अंशु भी निकाल रही है, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर ली है। तो फिर देखिए आप, फिर उसके बाद मेरा घास भी हो गया था। तो देखिए सामने का अभी इस साइड को ना धूप बिल्कुल नहीं है, दूसरी साइड को बहुत सारी धूप है। अभी टाइम 3 बजे हैं, तो 3 बजे के लिए मेरा घास भी हो गया था, हम थोड़ा पहले आ गए 2 बजे आ गए। तो फिर ये देखिए, ये इस तरह से मैंने अपने लिए भाड़ा लगा दिया था, तो ये मेरा भाड़ा भी लग गया है। और आप लोग देखो जल्दी से हो गया, घास बहुत थी मतलब जंगल में, बस आने भर की देरी है, तो घास मैंने इकट्ठा कर दिया और भाड़ा भी लगा दिया। इस तरह से मैं लगाती हूँ भाड़ा, मतलब एक दूसरा तरीका है, मैं दूसरे तरीके से लगा रही हूँ, एक तो सीधे रस्सी भरो तो और लगा दो, बट ऐसे नहीं है, आधा मैंने पहले लगा दिया फिर रस्सी घुमा ली और फिर उसके बाद मैं फिर से रस्सी ऊपर से घुमाऊँगी। तो देखिए आप अभी, तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर जॉइंट कर दिया और उसके बाद मैं इसको ऊपर से इसमें पुलटा लगा दूँगी, थोड़ा सा मैंने रस्सी को दबा दिया है ताकि ऊपर ना छूटे। तो देखिए आप भी, और ये लग गया मेरा ऊपरली साइड जो 2-4 पुलटे रहे थे, वैसे तो आधा आधा लगाते हैं, लकड़ भी लगाते हैं कोई, बट मैंने लकड़ नहीं लगाया। तो इस तरह से हो गया था मेरा ये भाड़ा। तो अब उसके बाद हम निकल गए, मैं निकल गई मतलब रास्ते में निकल गई, और ये लोग भी नीचे को आ गए हैं देखिए आप भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग के साथ। चल चल।